हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो ऑफ रतन इंडिया पावर लिमिटेड। फ्रेंड्स, इस शेयर को जो है 4.65 के आसपास हमने बोला था क्लियरली कि बाय करना है, और इसके पहले भी हमने जो है इस शेयर के लिए रिकमेंडेशन दिया था फ्रेंड्स, और ये हमारे एनालिसिस के बेसिस पे हमने दिया था, जहाँ पे हमने कहा था फ्रेंड्स कि इस शेयर में काफ़ी अच्छी रैली और काफ़ी दूर तक की रैली आ सकती है। क्यों आ सकती है उसके बारे में बहुत सी माइन्यूट डिटेल्स मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में पोस्ट करी है। इस वीडियो के बाद ज़रूर उस वीडियोस को ज़रूर देखना फ्रेंड्स, आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया आ जाएगी इस शेयर के बारे में, और पिछले 3 सालों से ये कंपनी क्या कर रही है, क्या बड़े डिसीजंस लिए हैं, वो उन वीडियोस में मैंने डाल के रखा है फ्रेंड्स। 3 to 4 वीडियोस है, बट वो वीडियोस आपको इस शेयर में काफ़ी अच्छा मौका दे सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमाने के लिए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ उतना टाइम आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा। इस वीडियो में एक बड़ा अपडेट लेके आया हूँ रतन इंडिया पावर से रिलेटेड। उससे पहले फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि इस शेयर में जो है पिछले 1 मंथ में, 1 मंथ से भी अगर हम उससे एग्जैक्ट बात करना चाहेंगे, तो सिर्फ 15 to 16 days में 35% की रैली हमें देखने को मिली, और मैंने बोला था कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें इस शेयर में देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मार्केट कैपिटल की, तो 2400 करोड़ पे इसका मार्केट कैपिटल था 20 to 14-15 days के पहले, और अभी आप देखिए 3732 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल बना है, मतलब 1300 करोड़ से जो है यहाँ पे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है बड़ा है फ्रेंड्स। लास्ट कुछ सेशन में फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट पे हमें दो लोअर सर्किट देखने को मिले थे 5-5% के, जब शेयर ने 7.15 का जो है 52 वीक हाई जो है टच किया था। वो गिरावट के सेशन में ही फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला था कि बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है इस गिरावट के टाइम पे, क्योंकि जो है फ्रेंड्स ये प्रॉफिट बुकिंग का समय है, बाउंस बैक हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो ये दो जो लोअर सर्किट लगे थे, उसके बाद आप देखिए थर्ड सेशन में 7% तक का अपर सर्किट देखने को मिला, और आज के सेशन में 5% का अपर सर्किट देखने को मिला, यानी शेयर ने बैक टू बैक दो अपर सर्किट दे दिए। अभी अगर कल के सेशन में भी जो है ये शेयर अपर सर्किट दे देता है, तो इसका जो हाई था लास्ट टाइम का 7.15, उसको क्रॉस करके ये जो है 10.5 की तरफ जो है बढ़ सकता है। अगर ये शेयर 10.5 की तरफ जाएगा फ्रेंड्स, तो आप सोच सकते हो 5 रुपीज़ से लेके 10.5 या 4.65 से लेके 10.5 की अगर हम प्राइस कंसिडर करेंगे, तो मोर देन 135% के रिटर्न हमें इस शेयर में देखने को मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। अपार्ट फ्रॉम दीज डिटेल्स मैंने कुछ और भी डिटेल्स आप लोगों को बताई थी, जहाँ पे मैंने ट्रेडिंग होने से पहले ही बताया था फ्रेंड्स, जो दो सेशन में हमें जो है गिरावट देखने को मिली थी, वहाँ पे 13 करोड़ 15 करोड़ तक के जो है यहाँ पे हमें वॉल्यूम ट्रेड होते हुए दिखे थे, और उसमें भी मैंने बोला था कि मोर देन 50% का ही हमें जो है डिलीवरेबल क्वांटिटी देखने को मिलेगा। आप देखिए डिलीवरी वॉल्यूम 51.81% था, लास्ट के सेशन में भी 55.06% जो है डिलीवरी है फ्रेंड्स। यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है डिलीवरी मार्केट से उठाई जा रही है इस शेयर में, जिसको देख के ऐसा डेफिनेटली लगता है कि एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे अगस्त मंथ से हमें कंटिन्यूसली ABARC जो आदित्य बिरला का आर्क है, ग्रुप है, वो जो है कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहा है 5 करोड़, 2.98 करोड़, 4.10 करोड़, 4.4 करोड़, 5.38 करोड़, एंड लास्ट सेशन यानी जो कल का सेशन था उसमें भी 5 करोड़ के आसपास जो है यही पर्टिकुलर एंटिटी हमें जो है कंटिन्यूसली सेलिंग करती हुई दिख रही है। ये कंपनी कंटिन्यूसली सेलिंग क्यों कर रही है, इसका सारा डिटेल्स मैंने मेरे इमीडिएट प्रीवियस वीडियो में डाला है, थोड़ा लेंदी वीडियो है बट ज़रूर देखना, आपको उसके बारे में जो है काफ़ी ज़्यादा आइडिया आ जाएगी फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में क्या बड़ा अपडेट शेयर करने वाले थे वो क्विकली हम कवर करते हैं। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया है फ्रेंड्स, यानी एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है रतन इंडिया पावर की तरफ से, और वो क्या है, डियर सर मैडम, पर्स्यूएंट टू रेगुलेशन 30 रीड विथ पार्ट ए ऑफ स्केड्यूल 3 सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर, उसके तहत जो है यहाँ पे जो नया डायरेक्टर बना जाएगा उसका इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज को देना होता है, और उसी की वजह से जो है यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जो है दिया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 5 सितंबर को मीटिंग थी, और 5 सितंबर को जो है यहाँ पे मिस्टर हिमांशु माथुर को जो है यहाँ पे एज अ एडिशनल डायरेक्टर जो है अपॉइंट किया गया है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, इफेक्टिव फ्रॉम सितंबर 5। तो आप देख सकते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो है ये नाम अभी शामिल किया गया है। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ
जो है गेम चेंजर ये डायरेक्टर बनने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कंपनी को कुछ अलग लेवल पे लेके जाने की कोशिश यहाँ पे रतन पावर कर रही है कंटिन्यूसली, और उसी की वजह से ये डिसीजन लिया गया है। फ्रेंड्स, ये डिसीजन ऐसे ही नहीं लिया गया है, उसके पीछे काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है कि इनका प्रोफाइल क्या था, इसके पहले जो है वो क्या करते थे। तो ये डिटेल्स यहाँ पे स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, देखिए आप। मिस्टर हिमांशु माथुर इज अ 1988 बैच माइनिंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम MBM इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ जोधपुर राजस्थान। अराउंड 34 ईयर्स ऑफ डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस इन रेंज ऑफ फील्ड्स ऑफ माइनिंग टू पावर। तो पावर से रिलेटेड 34 ईयर्स का एक्सपीरियंस इनके पास है फ्रेंड्स, और ये सब कुछ पावर से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे आप देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन हिज इनिशियल ईयर्स वेंट स्पेंट इन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में जो है इन्होंने शुरुआती के कुछ समय जो है स्पेंड किया, जो कि गवर्नमेंट का एक एंटरप्राइज कंपनी है। इन फील्ड ऑफ मटेरियल हैंडलिंग एंड माइनिंग एट मिडिल लेवल ऑफ मैनेजरियल पोजिशन। सब्सिक्वेंटली मिस्टर माथुर वर्कड फॉर नियरली 12 ईयर्स इन सीमेंस AG सिंस 1998 एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन फील्ड ऑफ डिजाइन एंड इंजीनियरिंग ऑफ थर्मल एंड कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट्स एंड रिनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ कोल बेस्ड प्लांट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। फ्रेंड्स, इंडिया में अब्रॉड में इन्होंने सीमेंस पे जो है काम किया है, सीमेंस के साथ, और ये सारा कुछ पावर से रिलेटेड है। माइनिंग, देन जो है कंबाइंड साइकिलिंग ऑफ पावर प्लांट्स, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ कोल बेस्ड पावर प्लांट। फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट इसलिए है, आपको नोटिस इसलिए करना चाहिए, क्योंकि जो है जो नासिक बेस्ड प्लांट है रतन इंडिया पावर का, जो कोल बेस्ड प्लांट है, उसको जो है यहाँ पे कुछ मॉडिफाई करने की या उसकी सर्विसेज रिज्यूम करने की कोशिश जो है यहाँ पे रतन इंडिया कुछ समय से कर रहा है। तो ये जो एक्सपीरियंस है हिमांशु माथुर का, वो डेफिनेटली ये कोल बेस्ड पावर प्लांट जो है इसके रिनोवेशन में या फिर कुछ और चीज़ों में जो है डेफिनेटली देखने को मिल सकता है हमें आने वाले कुछ समय में। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, और ऑलरेडी 2010 से 2021 तक जो है यहाँ पे रतन इंडिया पावर के साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर हिमांशु माथुर, और ये नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं रतन पावर को, इसीलिए ये जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आए हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको हमारे जो वीडियोस है प्रीवियसली पोस्ट किए हुए उसमें मिल सकती है, उसके लिए प्लीज़ ज़रूर ज़रूर उस वीडियो को देखना, और रतन इंडिया पावर से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स रहेंगे उनकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।